हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स की स्मूदी, जो बहुत ही यम्मी बनती है और आपका पेट भी फुल रहता है और आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मैंने एक जार लिया है कांच का, आप किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। और मैंने इसमें लिया है एक गिलास दूध। तो ये कोको कोला वाला बड़ा वाला गिलास है कांच का, इसमें लगभग एक गिलास ही दूध आता है। और रात को जैसे आज मुझे भूख नहीं थी तो मैंने सोचा कि स्मूदी बना लेती हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। गाइस, बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो मैंने इसमें आधा कटोरी ओट्स डाले हैं, जो मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले ही अपने ओट्स को पानी में भिगो के रख सकते हैं, ताकि ओट्स में लम्प्स ना पड़े, और फिर बाद में आप उसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके इसमें ओट्स डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से चला लीजिए। इसको मैं खाने से लगभग आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, ताकि जो हमारे ओट्स हैं वो अच्छे से फूल जाए। और आप चाहें तो ओट्स को पहले फ्राई करके फिर इसमें डाल सकते हैं पीस के, ठीक है। तो मैं कोई फ्राई व्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही ये डाल दिए हैं। और इसको डालने के बाद मैंने सारे जो आधी कटोरी ओट्स थे धीरे करके डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। तो गाइस, ये वेट लॉस बहुत अच्छे से करेगा। जैसे कि रात को मुझे हल्की फुल्की भूख थी, और हमेशा क्या होता था कि मैं अगर खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लगती रहती थी, बट अब मैंने जब ये स्मूदी खाई तो मुझे रात को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, सच में। तो फिर मैंने थोड़े से एक चम्मच चिया सीड्स भिगोए थे, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये चिया सीड्स भी आपके वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं। आप इसमें जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। वैसे रात को फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, और आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया था। मैंने सिर्फ इसमें दालचीनी ऐड की थी और मैंने इसको पी लिया था। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।